हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं एनएचएआई द्वारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे नंबर 5 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे सोनीपत जिले के गोहाना और बरोदा क्षेत्र से होते हुए जींद जिले में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे के जिन किसानों की जमीन अधिकृत हुई है उनकी सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए गोहाना के सरल केंद्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया समेत एनएचएआई के अधिकारी और गोहाना उपमंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सोनीपत जिले से दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे नंबर 5 निकलेगा, जिसके लिए किसानों की सार्वजनिक सुनवाई के लिए बुलाया गया था उन्हें, जिसमें करीब 15 गांव की जमीन अधिकृत होगी। जल्दी इस पर काम भी शुरू होने वाला है, इसलिए आज इस बैठक में सार्वजनिक सुनवाई की गई है। देखिए, जिले के 15 गांव को जोड़ेगा और लगभग 28 किलोमीटर इसका लेंथ होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा दिल्ली अमृतसर कटरा, और इससे जो दोनों शहरों की दूरी है वो आधे मतलब समय बच जाएगा। यदि एक्स टाइम लगता था तो उसका एक्स बटा दो हो जाएगा टोटल जो समय लगना आने वाले समय में। और फायदा यह है कि जो सेक्टर के यदि जिस भी सेक्टर से नेशनल हाईवे जैसा बड़ा प्रोजेक्ट निकलता है तो उसके साथ साथ में अन्य तरह के जो विकास आधारित जो संरचनाएं हैं वो भी आती हैं। लोगों को आवागमन में मैं नहीं कहता कि भाई चलो सब लोकल्स को फायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट जो उस हाईवे का इस्तेमाल करके लंबी दूरी के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, माल ढुलाई हो या यात्री हो।